हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डिंपल मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आपको गजानन गणेश जी के प्रसाद के लिए एक किलो का मोदक बनाना बिना मोल्ड के ही बताऊंगी और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो चलिए मैं आपको बनाना बताऊँगी और शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है तीन ग्राम बेसन बारिक बेसन लिया है और 200 ग्राम मैंने ली है सूजी अब सूजी के अलावा आप इसके अंदर गेहूं का दरदरा आटा भी ले सकते हो या तो फिर थोड़ा मोटा वाला बेसन भी ले सकते हो पूरा आपको बेसन बारीक नहीं लेना है कुछ भी आप इसके अंदर थोड़ा दरदरा ले सकते हो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बना रहे हो तो मैं यहाँ पे एक किलो का मोदक बना रही हूँ मोदक का नाम सुनते ही आपको पता तो चली गया होगा हमारे गर्जानंद गणेश जी पधार रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ पे एक किलो का मोदक बना रही हूँ तो यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट 300 ग्राम बेसन 200 ग्राम सूजी और 500 ग्राम चीनी पाउडर मिलाकर मैं एक किलो का मोदक बनाऊँगी इसी के साथ में हम तीन बड़े चम्मच शुद्ध घी इसके अंदर ऐड करेंगे इसे हमें इस तरह से हिला कर रोस्ट करना है फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यू इस तरह से हिला कर हमें इसे रोस्ट करना है कम से कम हमें पंद्रह से बीस मिनट तक इसे रोस्ट करना है घी हमने इसके अंदर तीन बड़े चम्मच ऐड करे हैं लेकिन बाद में हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम इसके अंदर और घी ऐड करेंगे बस इसी तरह से लगातार हमें हिलाकर इसे रोस्ट करना है हमें लग रहा है कि इसके अंदर हमें घी की और ज़रूरत है तो मैं इसके अंदर घी और ऐड कर रही हूँ और दो बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर घी ऐड करा है तो कुल हो गया हमारे पाँच चम्मच हाँ अब हमारा घी एकदम परफेक्ट है हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है हिलाने के लिए कंटिन्यू इसे हिलाते ही रहना है अगर हिल नहीं हिलाओगे तो नीचे कालापन चिपक जाएगा और मोदक में गंदी बदबू भी आएगी जलने की इसके लिए हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कंटिन्यू इसी तरह से हिलाते रहना है पंद्रह बीस मिनट के बाद जब हमारा ये बेसन है वो रोस्ट हो जाएगा ना तो घी की खुशबू भी आने लग जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा अभी ये पूरी तरह से येलो लग रहा है वो बाद में सीखने के बाद रोस्ट हो जाने के बाद गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसी तरह से हमें 15 से 20 मिनट तक हिलाकर इसे रोस्ट करना है तो ये देखिए हमें 15 से 20 मिनट हो गई है हमारा बेसन भी रोस्ट हो गया है तो देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है जब हमने बेसन लिया था तब एकदम येल्लो था अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हमारा जो बेसन है वो रोस्ट हो गया है फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और जब भी आप बेसन लो तो उसके साथ में आपको कुछ भी दर दरा जैसे कि गेहूं का आटा सूजी या तो दर दरा बेसन लेना ही है आप पूरा बारीक बेसन से बनाओगे तो जब हम खाएंगे तो वो गले में अटकेगा गले में चिपकेगा तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर मोटा या जाड़ा कुछ भी आटा या कुछ भी लेना ही है सूजी ले लो आटा ले लो बेसन ले लो कुछ भी ले लो तो हमें ये लेना ही है तो इस तरह से रोस्ट करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे हमें इसके अंदर चीनी पाउडर ऐड करना है लेकिन हम इसके अंदर अभी नहीं करेंगे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर चीनी पाउडर एड करेंगे और हमने बेसन और रवा ये दोनों चीज़ मिलाकर 500 ग्राम का मेज़रमेंट लिया है तो जितना आप बेसन और सूजी मिलाकर या आटा मिलाकर जितना मेज़र लेते हो उसी के मेज़र से हमें चीनी पाउडर लेनी है जिससे हमारा परफेक्ट माप बना रहे और टेस्ट भी एकदम परफेक्ट ही रहेगा ना वो बहुत मीठा भी होगा ना ही बहुत फीका भी होगा तो ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है तो मेरा यहाँ पे 500 ग्राम बेसन और सूजी मिलाकर हुआ है तो मैं 500 ग्राम ही इसके अंदर पीसी हुई चीनी ऐड करूँगी तो इसे हम ठंडा होने देंगे तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो हल्का सा गरम है तो इसी के साथ में हम इसके अंदर चीनी पाउडर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चीनी पाउडर ली है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है हमें हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है तो यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से चीनी पाउडर मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद हमें इस तरह से चेक करना होता है कि हमारा ये जो मिक्सर है वो इस तरह से लड्डू बन रहे हैं या नहीं अगर लड्डू ना बने तो इसके अंदर घी की ज़रूरत हो तो आप इसे इसमें बाद में भी घी को ऐड कर सकते हो तो देखो मैंने यहाँ पे एक लड्डू बनाकर बताया है जिसके अंदर घी हमें नहीं ऐड करना है हमारा घी एकदम परफेक्ट माप के साथ हमने डाला था तो इस तरह से देखकर हम अब इसका मोदक बनाएंगे तो मोदक बनाने के लिए हमारे पास एक किलो का तो मोल्ड नहीं होता है तो हाथों की मदद से ही मैं आपको मोदक बनाना बताऊंगी। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है इस तरह की एक प्लेट लेनी है क्योंकि हम हाथ से तो हाथ में लेकर तो बना नहीं सकते तो हमें इस तरह की एक प्लेट लेकर हमारा जो मिक्सर है उसे इस तरह से लेकर हाथों की मदद से हमें शेप देना है इस तरह की हाथों की मदद से हमें ले लेकर इस तरह से ऊंचा सा एक माउंटेन जैसा मोदक का शेप होता है इस तरह से हमें बनाते जाना है तो ये देखिए हमारा मोदक बनके रेडी हो गया है अब हम टूथ पिक की मदद से इसके अंदर डिजाइन बनाएंगे तो आपको इस तरह की टूथ पिक लेनी है और इस तरह से हमें मोदक के अंदर डिजाइन बनानी है ये देखिए तो यहाँ पे मैंने टूथ पिक की मदद से पूरे मोदक में डिजाइन बना ली है और हमारा मोदक भी रेडी हो गया है तो ऐसा मोदक आपको एक किलो का मोदक कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा इवन मिठाई वालों की दुकान पे भी आपको नहीं मिलेगा जो मैंने आपको हाथों की मदद से ही बनाना बताया है ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है आपको लग रहा होगा कि ये एक किलो का मोदक तो नहीं है लेकिन देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये मैंने वीडियो और कैमरा बहुत दूर से रखा है इसके लिए ये मोदक आपको छोटा लग रहा है लेकिन सही बात है कि ये मोदक पूरा एक किलो का है तो इस तरह से आपको एक किलो का मोदक बनाना मैंने बताया है तो देखिए ये पूरा मोदक हमारा बन के रेडी हो गया है ये देखिए मैं आपको नज़दीक से भी बताती हूँ कि ये पूरा एक किलो का मोदक बन के रेडी हो गया है